हेलो एवरीबॉडी अगेन. मुझे पता है आप लोग मेरा वेट करते हैं. आई एम लेट बाय 4 मिनट्स एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट. खैर मेरा तो अब रूटीन ही बन गया है, हर बारी मैं आके आप लोगों को यू नो सॉरी बोलती हूँ एंड देन आई स्टार्ट द क्लास. सो एक्सेप्ट माई सिंसेयर अपोलॉजीज फॉर बींग लेट एंड लेट्स स्टार्ट. तो जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक बारी चेक करने दो इफ आई एम स्ट्रीमिंग और नॉट. Just a second. Yes, I am. Hello. Hi, Madhumita. Of course, I remember you. You were there in my class yesterday. Hello, Craft with Nora Singh. Hi, Sonali. Hi, Hadishulla Siddiqui. I'm not sure if I'm pronouncing your name correct. Hi, Priyanshu. Yes, Ruchita, of course I remember you. आपने तो मुझे अपना नाम याद ही करा दिया है भाई, अब तो मुझे आपका नाम याद है. Hi Gayatri, hi Alina, how are you? Snehanjali, correct. Snehanjali, right. Now I remember. Yes, of course I remember. I very much remember you, Ruchita. I very much remember you. Oh, got that. Hi Zoya, how are you? So guys, कैसे हो सब लोग? और जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था that you know we are discussing this chapter Who Did Patrick's Homework और आप सबको बहुत मज़ा आ रहा था. हम लोगों ने अभी कल ये पूरा का पूरा chapter की discussion जो है chapter discussion हमने पूरा chapter पढ़ा और उसको ख़त्म कर दिया. ठीक है, हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया है कल. वी डिड वो कैबलरी, हमने इसको प्रैक्टिस किया, इसकी वो कैबलरी को हमने इसके अलग अलग मतलब पूरी चैप्टर रीडिंग हमने कल कंप्लीट कर ली. बहुत सारी यू नो नई नई हमने कल पिक्चर्स और इमोटिकॉन्स देखी. सो इट वाज क्वाइट लॉट ऑफ फन, राइट? सो हाय अर्पिता, हाय स्नेहांजलि, हाय आकाश. Yes, we have a mentee today, guys. आज मेंटी है, बिल्कुल आज मेंटी है और आज हम लोग मेंटी करेंगे बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, टुडे इज द मेंटी डे. तो डेफिनेटली आज हम लोग मेंटी करेंगे एंड विल ट्राई कि हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी जो है आज हम कवर करें बिकॉज ऑफकोर्स इट इज़ नॉट दैट ईजी बिकॉज आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के और अगर आप लोगों को प्रॉपर उनके आंसर्स नहीं पता है तो मार्क्स तो डेफिनेटली मिलेंगे नहीं, राइट? सो एंड क्योंकि मैं अब आपको ये चैप्टर पूरा कवर करा रही हूँ सो डेफिनेटली हम लोग एनसीईआरटी के इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. No problem, Tejasvi. Very good morning, so Sujal. Hello, Learning Classics. मुझे आपने कल अपना नाम बताया था, मुझे आपका नाम भूल गया. So again, I'm not sure why there is some lag in YouTube. No problem. चलो ठीक है. तो भाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ हमने जो है कल क्या किया था. वी डिड दी चैप्टर डिस्कशन. तो जैसे आप लोगों को पता ही है वी डिस्कस दी इंटायर चैप्टर. हमने पूरी वोकैबलरी डिस्कस की थी और बहुत ही मज़ा आया था पूरा चैप्टर पढ़ के. वी लर्नड अबाउट दिस गाय हुज नेम इज पैट्रिक एंड हु डजंट लव टू डू हिज होमवर्क लाइक मोस्ट ऑफ अस डोंट डू. तो हमने पैट्रिक के बारे में पढ़ा था कल के चैप्टर में. सो या, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. I know the video is lagging and I'm not sure why. I'm so very sorry for that. I know the video is lagging. Sorry for this shitty internet is all that I can say. Sorry for that. ठीक है, तो मैं आपको जैसे कि हर क्लास में पहले मैंने आपको लेसन प्लान बताया ही है तो इस क्लास में आपको फिर से बता देती हूँ. हमने बेसिकली इस चैप्टर को चार यू नो सेशंस में डिवाइड किया था. पहली और दूसरी सेशन हमारी कल हुई थी जिसके अंदर हमने चैप्टर डिस्कशन किया था. ठीक है, आज हमारी जो क्लास है एक सुबह 10 o'clock की है और दोपहर को 3 बजे की है. जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ये मेरे दो टाइम्स हैं. तो अभी की जो क्लास है अभी इसमें हम मेंटी करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने डिस्कस हो सकेंगे
उतने हम अभी करेंगे, और दोपहर को 3 बजे की क्लास में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इफ पॉसिबल, ठीक है? सो अभी आज की जो हमारा सेशन रहेगा इस चैप्टर को लेके, इट विल बी सेंटर्ड मोस्टली अराउंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस. हाय निधि. Horrible यार, horrible, this internet is horrible. A lot of lag. कल भी सुबह की क्लास लैग हुई थी. What do I do? Hi Pallavi. Oh Tejasvi, what is Menti? Menti is a quiz. Today I look so cute. Thank you so very much, Snehanjali. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग पहले मेंटी करेंगे एंड देन वील डू एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि सब कुछ बहुत ज़रूरी है ना कवर करना. सो वी आर गोना डू दैट. हाय आकाश, हाय सुनीता भारती, ओके योर नेम इज आदित्य, ओके गॉट इट. चलो तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू इन माय सेशन, यूजुअली मेरी क्लास में वही बच्चे आ रहे होते हैं जो जिनने ऑलरेडी मेरी सेशन देखी होती है, बिकॉज दे एंजॉय माय सेशन सो मच. बट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू, तो मैं बता देती हूँ, माय नेम इज सोनम सूदन एंड ये हैं हम, ठीक है? एंड आई कम विथ 4+ years ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. और आप सबको पता है कि मैं हमेशा लर्निंग क्यों बोलती हूँ, टीचिंग या मेंटोरिंग क्यों नहीं बोलती हूँ. दैट्स बिकॉज आई लव टू लर्न एंड दैट्स द ओनली रीजन वाई आई एम इन दिस प्रोफेशन. एंड या दैट्स अबाउट इट, ठीक है? सो लेट्स गो अहेड. मेंटी कोड मैं अभी बताती हूँ, रुक जाओ. I'll tell you the mentee code guys. And Unacademy 6th पे guys मेरा time है morning 10 और शाम को 3 बजे है. 3 बजे दोपहर को 3 बजे, sorry 3 बजे मेरा जो है, आप मुझे all the days Monday to Sunday except for Thursday and Saturday को आप मुझे नहीं देखोगे. 2 दिन मुझे नहीं देखोगे, except for that रोज़ मैं आपको दिखूँगी, ठीक है? Asfara, okay. Hi Arpita, congratulations, you're promoted to class 6th, most welcome to class 6th. So guys, for all the students who are new to class 6th, most welcome to this amazing you know platform. बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे सीखने के लिए, और जो कुछ आप स्कूल में सीख पाते हो, I mean उससे definitely आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत एडिशनल हेल्प मिलेगी कंपेयर टू व्हाट यू गेट इन स्कूल, एंड इट विल बी फार मोर इजियर फॉर यू. सो मोस्ट वेलकम टू क्लास 6th एंड मोस्ट वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग व्हिच अनअकैडमी हैज प्रोवाइडेड टू यू ऑल, एंड इट्स लवली, इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑल. तो ठीक है, चलो मेंटी स्टार्ट करें. चलो मेंटी स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है? बहुत लैग है वीडियो में, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, बट क्या करें भाई, इंटरनेट खराब है. आई एम ग्रेट जोया नौशाद, एक्चुअली आई एम ग्रेट नौशाद. हाय अजीत सिंह, ठीक है? सो गाइस द कोड इज 4041810 4041810 8. Hi Swastik, got it Swastik. 4041810 8. तो कम से कम भी मेंटी में जब तक 25 बच्चे नहीं हुए मैं आगे नहीं चलूंगी, इसलिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स को कॉल करो एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स एंजॉय. ओ सॉरी सॉरी असफरा सॉरी, एक्चुअली यू नो व्हाट गाइस, आई विल टेल यू. तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मेरे लिए बहुत बारी बहुत मुश्किल हो जाता है गेज करना कि किसका मैसेज है. सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. थैंक यू डांसिंग क्लब. नितल रावल, व्हाट यू गॉट टू डू इज सिंपली गो टू गूगल
वहाँ पे menti.com आप टाइप करो एंड उसके अंदर आप ये कोड डालो, आप आराम से मेंटी को में पार्टिसिपेट कर पाओगे. थैंक यू डांसिंग क्लब फॉर दी कॉम्प्लीमेंट. सो जल्दी 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 भाई. जल्दी से ज्वाइन करो, कम से कम भी 25 बच्चे तभी मैं मेंटी स्टार्ट करूंगी. जल्दी जल्दी. हाय कार्तिक, हाय अलीना, गॉट इट अलीना. हाय साक्षी, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ओह, सो यू आर ट्रेन बट यू वांटेड अ कैट, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन. चलो चलो चलो, जल्दी से 25 बच्चे होने चाहिए कंप्लीट. सो वी आर स्टिल लेफ्ट विद व्हाट, 17 ऑफ यू ज्वाइंड, सो वी आर स्टिल लेफ्ट विद 8 ऑफ यू टू ज्वाइन. मैथ्स मेरा थोड़ा सा ना स्लो है. थैंक यू सो वेरी मच अस्फरा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट यार, थैंक यू. एंड लेट मी टर्न ऑन द चैट भाई. ओह लक्ष्य, यू आर द ट्रक, वाओ. चलो जल्दी से सब लोग ज्वाइन करो. अच्छा गाइस, आई वांट टू टेल यू समथिंग. जब भी आप कोई कमेंट लिखते हो मेंटीमीटर पे तो मुझे आपकी समझ तो आती नहीं है, आपने नाम तो पता नहीं चलता है. तो अगर आप सच में कोई जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट या नो सॉरी कॉम्प्लीमेंट, अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो जेन्युइनली, तो प्लीज राइट योर नेम अलॉन्ग विद योर कॉमेंट सो दैट आई नो हुज टॉकिंग टू मी. हेलो, आई डोंट नो अपेरेंटली हु यू आर. हाय, हेलो 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 हेलो. अरीमा चतुर्वेदी बचालो, हेलो अलीना. श्योर 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 श्योर, जल्दी जल्दी. श्रीदेवी ज्वाइन इन, मधुमिता ज्वाइन इन. ओके ओके, जल्दी से ज्वाइन करो सो दैट वी कैन स्टार्ट. हेलो राजन मिश्रा, अंशी, हाय अंशी, हाय तेजस्विनी, गॉट इट, हाय लक्षिता, वाओ. थैंक यू सो वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट भाई. 24 तो आप लोग टॉप चैट में ही हो, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लो मेंटी. ओके गॉट इट आकाश, हाय रुद्रनील दास, सोनम सूदन, बच्चे नहीं. ओके आई डोंट नो दैट. अच्छा भाई देखो, जब मैं कमेंट्स ऑन करती हूँ डोंट पोस्ट फालतू के कमेंट्स. अगर कुछ रिक्वायर्ड है तभी करो, अदरवाइज आई टर्न ऑफ द कमेंट्स, इज आर सिंपल. ठीक है, इसलिए फालतू के कमेंट्स नहीं भेजने हैं, जो जेन्युइन है वही भेजो. कोड इज आई एम नॉट, थैंक यू रेणुका. कोड इज योर BFF, कोड इज 40418108. थैंक यू. चलो अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हाय रुचिता, ओके ओके ग्रेट.
कार्तिक नितिन, यू आर मुर्गा पनिशमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा नाम चूज किया। हे अर्पिता, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द फास्टेस्ट। ओके, तो आपको याद होगा हम लोगों ने कल ये वर्ड डिस्कस किया था, याद है आप लोगों ने सेंटेंसेस भी बनाए थे। हाँ, ओके, कूल। हे कंग्रेचुलेशंस एकता, गुड जॉब। ओके, हे गुड जॉब एकता, लवली। नो प्रॉब्लम, इवन इफ इट्स अ मिस क्लिक, कोई टेंशन नहीं है भाई, अगले क्वेश्चन को ध्यान से कर लो। ओके, ओहो, कार्तिक नितिन, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द फास्टेस्ट, लवली, गुड जॉब। आई नो वीडियो इज कमिंग लेट बिकॉज़ देयर इज अ लैग, बट व्हाट टू डू। मेंटी गोइंग फास्ट, इज इट? I need to reset the result. Wait. Let me reset the result of this question. It's wrong. Chili. No, that's the right answer. Okay. Let me present it. चलो एक बारी फिर से, अब तो ये सबका सही होगा, अब तो सबने देख ही लिया है। ये तो सबका सही होगा अब। रिशिता, द कोड इज 4041-8108। नॉट टू कीप हिज प्रॉमिस बट टू रिटर्न इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन। रिशिता, द कोड इज 4041-8108। रुद्रनील, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द फास्टेस्ट, वाओ। हेलो, मुझे पता नहीं किसने हाय भेजा है बिकॉज आई कांट सी योर नेम्स अपेरेंटली।
एकता, कंग्रेचुलेशंस। हाय सतनाम सिंह, हाउ आर यू? या आई नो देयर इंटरनेट इशू तो है यार, लैग तो कर रही है वीडियो। व्हाट डू आई डू? एनी कंग्रेचुलेशंस एंड मोस्ट वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ लर्निंग। तो देखो, ज्वाइन इन द क्विज। सतनाम, आर यू अवेयर हाउ टू ज्वाइन द क्विज? पता है आपको? अगर नहीं पता है तो बता दो, आई विल टेल यू एंड देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्विज एंड हैव फन। Oh, is it happening very fast? How do I slow it down, guys? I think ये इंटरनेट के इश्यू की वजह से हो रहा है। आप बताओ स्लो कैसे करना है। एकता, बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, यू आर द फास्टेस्ट। एकता, योर नेम इज कार्तिक, नितिन, रुद्रनिल, पल्लवी, लेजेंड, रॉयल, गोरख, तेजस्वी, डेंसी, आन्या एंड अंशी, कंग्रेचुलेशंस। ओके, हाउ डू आई स्लो डाउन द क्विज गाइज? आई थिंक देर इज सम इंटरनेट इशू जिसकी वजह से फास्ट हो रहा है। हाउ डू आई स्लो इट डाउन? चलो आई टर्न ऑफ द कॉमेंट्स, देन आप लोग ऐसे ही फालतू के अगर कॉमेंट भेजते रहोगे। ओके, लेट्स चेक दिस आउट। एकता, कंग्रेचुलेशंस अगेन। चलो लेट्स गो अहेड। ओके, लेट्स चेक लीडर बोर्ड पे। बाय द वे कौन कौन है, मैं एक बारी फिर से सबको कंग्रेचुलेट कर देती हूँ। एकता, कंग्रेचुलेशंस। कार्तिक, कंग्रेचुलेशंस। रुद्रनिल, पल्लवी, लेजेंड, रॉयल, गोरख, तेजस्वी, डेंसी, डेंसी एंड अनन्या। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु आर हियर ऑन द लीडर बोर्ड। ओके, यस सतनाम सिंह, टेल मी, योर नेट इज टू स्लो। ओहो, कोई बात नहीं, होता रहता है सतनाम, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आप आज दोपहर को 3 बजे की सेशन ज्वाइन कर लेना, नो प्रॉब्लम। एकता, कंग्रेचुलेशंस अगेन। एकता, कार्तिक, रुद्रनिल, पल्लवी, रॉयल गोरख, तेजस्वी, डेंसी, लेजेंड, डेंसी एंड अस्फरा, कंग्रेचुलेशंस। सतनाम, बाय द वे आप कौन सी क्लास में हो? हे यानी, कंग्रेचुलेशंस एंड मोस्ट वेलकम, लाइक आई टोल्ड यू to this amazing learning platform which an academy has provided you. So yeah,
यस सतनाम, कौन सी क्लास में हो? टेल मी। ओ गौहर, नो प्रॉब्लम इफ यू आर लेट, दैट्स फाइन, यू कैन स्टिल कैच अप। हाय अंशुका, एकता कंग्रेचुलेशंस अगेन। देन कार्तिक, रुद्रनिल, पल्लवी, तेजस्वी, डेंसी, रॉयल गोरख लेजेंड, डेंसियन, सत्यांशु, कंग्रेचुलेशंस। ओ सपना, आप 6th क्लास में हो, इज इट? अच्छा, क्या बात है। और यू ज्वाइनिंग इट फॉर फन? देन हैव फन, ग्रेट। मैम, यू लुक्स लाइक अ फॉरिनर, रियली। गुहार, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इफ इट इज मेंट टू बी अ कॉम्प्लीमेंट, आई विल टेक इट लाइक दैट। बट द इंग्लिश इज नॉट क्वाइट करेक्ट, यू माइट वॉन्ट टू करेक्ट द ग्रामर ऑफ द सेंटेंस। नो नो, डेफिनेटली नॉट। बी ए मेंटी करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है मेरी क्लास में कि खाली मेंटी मेंटी मेंटी। नो, आई डोंट डू दैट। एंड बाय द वे एकता, कंग्रेचुलेशंस अगेन। नमस्ते जानवी जी, कैसी हैं आप? हाय खुशी। खुशी, हाउ आर यू? ओ माय गॉड, आई वाज राइट, वाओ, लवली। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्तिक। ओ श्योर सतनाम, सी मी एट 3। एकता, कार्तिक, रुद्रनिल, पल्लवी, तेजस्वी, डेंसी, रॉयल गोरख लेजेंड, सत्यांशु एंड अत्यक्षा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर्ष, वी आर एक्चुअली, यू आर एक्चुअली ऑन दी यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी 6th। सो या, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। ओके, चलो देखते हैं कौन आया है लीडर बोर्ड पे। ओके, एकता, कंग्रेचुलेशंस। कार्तिक, पल्लवी, रुद्रनिल, डेंसी, लेजेंड, तेजस्वी, रॉयल गोरख, सत्यांशन, स्मृति, कंग्रेचुलेशंस। हाय प्रभु, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सो ये है आपका फाइनल क्वेश्चन इस क्विज का, एंड वाओ, गिव इट अ ट्राई, मे बी यू कैन यू नो विन द क्विज। ठीक है, चलो, काफी आप लोग नॉनसेंस बातें करते रहते हो कमेंट्स पे, सो लेट मी टर्न द कमेंट्स ऑफ। ओके, हे एकता, कंग्रेचुलेशंस। एकता, कार्तिक, पल्लवी, रुद्रनिल, या कंग्रेचुलेशंस, वाह।
हर्ष ये YouTube पे चल रहा है ये क्लास. इट्स ऑन YouTube ऑन अनअकैडमी 6. द चैनल नेम इज अनअकैडमी 6. चलो ग्रेट, ठीक है. अभी मुझे एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि मैंने इसमें सर्टिफिकेट रखा है या नहीं रखा है. वेट 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 वेट, ओ सर्टिफिकेट तो मैंने लाया ही नहीं आज. आज मैं तो सर्टिफिकेट लाना ही भूल गई. चलो ठीक है, ओके ग्रेट. सो एकता, व्हाट आई विल डू इज एकता, कार्तिक एंड रुद्रनिल, यू गाइस कम एंड जॉइन मी इन माय 3 PM सेशन. वहां पर मैं आपको आपका सर्टिफिकेट पक्का दूंगी, ठीक है. हर्ष, ये बहुत सिंपल, आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पे आप अनअकैडमी 6 को टाइप करो, उसके अंदर आपको ये सब वीडियोस दिख जाएंगे. इट्स एज वेरी सिंपल. और मेंटी नहीं है. अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले. सो गाइस, आर यू ऑल रेडी टू डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस? लेट मी नो. आर यू ऑल रेडी गाइस? लेट मी नो. एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं कि नहीं करने हैं? ओके, कूल, लवली, ठीक है. चलो ग्रेट. सो अभी, हाय सुहानी, ठीक है. चलो अभी क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं आगे. तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल, हर्ष आप पूछ रहे थे. सो इट्स वेरी सिंपल. गो टू दी गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, वहाँ पे जाइए, उसको डाउनलोड करिए. अभी ये आप डाउनलोड करेंगे तो इसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं. वन इज़ योर प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव सेशंस, टेस्ट एंड क्विजेज एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. और कमाल की बात यह है कि आप अगर मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपकी सब्सक्रिप्शन खरीदने पर. तो जैसे आपके पास प्लस है, वैसे ही एक सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक. और आइकॉनिक में क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सारे बेनिफिट्स जो प्लस के हैं, और उसके साथ आपके पास पर्सनल मेंटोर और लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशंस भी हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, प्लस भी 6 to 12 के लिए अवेलेबल है और आइकॉनिक भी 6 to 12 के लिए अवेलेबल है. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड SOS10 टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर यू नो ऑन योर सब्सक्रिप्शन जो आप खरीदते हो, उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ओ पल्लवी, ठीक है. तो गाइज, थ्री ऑफ यू, आई थिंक कार्तिक, नितिन, पल्लवी एंड रुद्रनिल, द थ्री ऑफ यू कैन सी मी एट 3 PM एंड आई कैन गिव यू द सर्टिफिकेट. आई विल, धीना, आई विल सेंड द सर्टिफिकेट. आई मीन यू विल बी एबल टू सी द सर्टिफिकेट ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ द सेम. ओनली टॉप 3 स्टूडेंट्स विल गेट द सर्टिफिकेट. ठीक है. हाय ब्लाइंड ट्रस्ट गेमिंग एंड तेजस्वी राजन. नेक्स्ट मेंटी अभी मैं आपको बता दूंगी. अभी तो इट इज नो टाइम, इट इज नो वेयर एनी टाइम सून, बट आई लेट यू नो व्हेन इट विल बी देयर. ठीक है. चलो एक चीज और गाइस, ये मेरा कोड है SPSO10. ये यूज करके यू विल बी एबल टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज ऑन दियाना अकेडमी ऐप. बिकॉज अगर आप मान लो कुछ नहीं भी खरीदते हो तो भी आपके पास फ्री स्पेशल क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी हैं. यूज दिस कोड एंड अनलॉक दैट. चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू डांसिंग क्लब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. एंड या गाइज, आई एम सॉरी, आई नो द वीडियो इज लैगिंग, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, बट ओके. आई विल गेट दिस सॉर्टेड आउट, डोंट वरी. यस प्रभु, थैंक यू सो वेरी मच. चलो गाइज, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट
Did Patrick think his cat was playing with? What was it really? This is the first question. What do you think, guys, can be the answer? See, मैंने आपको एक सही आंसर यहाँ पे लिखा है, लिख कर दिया है. आप चाहो तो आप लोग ये कॉपी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने वर्ड्स में आंसर को फ्रेम करो. सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू डू इट, फ्रेम योर आंसर एंड सेंड इट इन द कमेंट सेक्शन. Okay, frame your answer, guys. Thank you, Prabhu. Thank you, thank you, thank you. Okay. Chalo, what did Patrick think his cat was playing with and what was it really? तो आपको क्या लगता है पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी कैट किस चीज से खेल रही है, बट वो एक्चुअली में क्या था? मैंने आपको कल बताया था, कल हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन आंसर्स में, इफ यू गाइज रिमेंबर. तो आपको मतलब what actually happened? What do you think is the right answer of the question? Thank you, Dancing Club, for your compliment. Hi, Arnima Gupta. Okay, Madhumita has come up with an answer. Great. Patrick thought his cat was playing with a dog. It was the tiniest man wearing breeches. It was an elf. Nice. Madhumita, your answer is absolutely great. So, Madhumita has come up with an answer. Okay, great. Okay. Prachi, the cat was not really Prachi. Prachi, you might want to correct your answer. The cat was not the cat was not playing with a ball. It was playing with a doll, not a ball. Great, guys. Anybody else? Only Madhumita ne answer likha hai. Tejasvi ne bhi likha hai. तो जैसे अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको अपना आंसर थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा. जोया अगेन आपको अपना आंसर, जायदा कादरी, आई थिंक योर नेम इज जोया, राइट? जोया, आपको अपना आंसर थोड़ा सही करना पड़ेगा. ये बहुत छोटा आंसर है, ठीक है? कूल गाइस, आई वांट कि आप लोग अपने कॉपीज में ये आंसर नोट डाउन कर लो. पैट्रिक थॉट इट दिस वाज अ कैट इट वाज अ दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल. इट वाज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज्ड मैन एंड एल्फ. तो आप लोग ये आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि आप लोग को जब भी कभी एग्जाम टेस्ट वगैरह कुछ भी हो तो आप बहुत आराम से अपना आंसर फ्रेम कर सको. करेक्ट. ठीक है गाइज, कम ऑन, आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट डाउन दिस आंसर इन योर कॉपी. ओके, स्नेहांजलि हैज कम अप विद एन आंसर. स्नेहांजलि, योर आंसर इज एब्सोल्युटली ग्रेट, एक्सेप्ट फॉर इट वॉज नॉट अ बॉय, इट वॉज अ मैन. It was a man of tiniest of the tiniest size. It was a man, not a boy. Hello, Riddhi Singh.
ठीक है, चलो ग्रेट गाइस. हाउ अबाउट द सेकंड क्वेश्चन? व्हाई डिड द लिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? क्या है इसका आंसर, आपको क्या लगता है? प्राची, मोस्ट वेलकम इफ इट्स योर फर्स्ट सेशन एंड आई होप यू डू एंजॉय द सेशन. हाय अनुश्री शर्मा. गाइस सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द लिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? ओके, व्हाट डू यू थिंक कुड बी द राइट आंसर? हाय अनुश्री, वेरी गुड मॉर्निंग. गाइज, वाई डिड द लिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? वॉट डू यू थिंक इज द राइट आंसर? आई वॉन्ट यू ऑल टू फ्रेम द आंसर एंड सेंड इट इन द कॉमेंट्स. ओके, मधुमिता हैज अगेन कम अप विद एन आंसर. द लिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ एंड इन फ्यूचर टू नॉट हार्म हिम. ओके, श्रीदे आई मीन सॉरी मधुमिता, योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन इन फ्यूचर टू नॉट हार्म हिम इज नॉट नीडेड. आप सिंपली वहां पे एंड कर सकते हो, द लिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ, तो आप वहीं पे एंड कर सकते हो. ठीक है, ओके. हाय लक्ष्मी शर्मा. विष्णु ज्योति, बिकॉज ही हेल्प हिम फ्रॉम द कैट एंड ही टेल्स हु हेल्प हिम. आई कैन विष्णु, आपने जो आंसर लिखा है उसकी ग्रामर इज नॉट क्वाइट करेक्ट. व्हाट आई रिक्वेस्ट यू टू डू इज, ये आंसर आप लोग एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना एंड यू कैन फ्रेम योर आंसर अराउंड इट, इट्स कम्प्लीटली फाइन. जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे यही वर्ड्स लिखने हैं अपने आंसर में, ठीक है? ओके, तेजस्वी इज कम अप विद एन आंसर. पैट्रिक हैड सेव्ड द एल्फ फ्रॉम हिज पेट कैट. So the elf promised Patrick to do any wish in future. Tejasvi, आपका your answer is partially correct, not fully correct. First sentence सही है, last में थोड़ा सा grammatically it's wrong. ठीक है guys, so ये दोनों अगर आप लोगों ने अगर note down कर लिए हैं ये दोनों answer, let me know. हम लोग let's go ahead because बहुत सारे questions हैं हमें complete करने के लिए. Okay, are you guys done with these two questions? Should we go ahead? Let me know. And Bharti, Sunita Bharti, I'm not sure कि आपको क्यों सुनाई नहीं दे रहा है. Hi Mamta. Okay, guys, once you note down these questions, मुझे बता दो. We can go ahead. द ग्रैंड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द कैट. द एल्फ ग्रांटेड पैट्रिक अ विश, वो है इसका सही आंसर. जायदा, बाकी तो आपका जोया आई थिंक, या बाकी आपका आंसर जोया इज करेक्ट. एनी लार्सन, इट इज 10:48 AM इन इंडिया. हाय प्रज्ञा. ओह नो प्रॉब्लम प्राची विद स्टडी, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. अगर आपको नहीं, चलो गाइज ये हो गया क्वेश्चन, चले आगे, लेट्स गो अहेड. नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? ये आपका अब क्वेश्चन है. अब आपको देखना है कि आप इसको ऐसे फ्रेम करो डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज. अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप थोड़ा कम लिखोगे, 3 मार्क्स का है तो आप थोड़ा ज्यादा लिखोगे. Okay, thank you, Bishnu Jyoti, and I am happy that you're enjoying the session. Sunita, I'm so sorry. मुझे नाम भूल जाता है यार, sorry, because अलग अलग बार बार comments आते हैं ना, it just slips out of my mind. So yeah, Pragya, got it.
हाय अर्पिता। चलो गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? What was Patrick's wish? Okay, so Simran comes up with an answer. Patrick wanted that the elf to do all his homework. Simran, आपके आंसर में ग्रामर इज नॉट क्वाइट करेक्ट. द ग्रामर हैज टू बी करेक्टेड. पैट्रिक्स विश वॉज दैट द एल्फ वुड डू ऑल इज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. हाय सौम्या. Okay, now Madhumita has come up with an answer. Patrick's wish was that the elf has to help him throughout the semester in doing his homework. He wanted A grade in all the subjects. Madhumita, Patrick's, you have to use apostrophe and S. First of all, that's one error. Wish was that the elf should help him. थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, बाकी आपका आंसर मधुमिता इज करेक्ट. गुड मॉर्निंग समृद्धि. ओके, विष्णु हैज कम अप विद एन आंसर. पैट्रिक्स विश वाज दैट द एल्फ. विष्णु, अगेन आंसर आपका सही है लेकिन ग्रामर गलत है. तेजस्वी, पैट्रिक डिड नॉट लाइक टू डू हिज होमवर्क. ही वांटेड टू गेट complete his homework by the elf today. Okay, again Tejasvi, your grammar is the grammar is not quite correct. Okay, Tanuja, Patrick's wish was that the elf would do all his homework till the end of the semester. Correct, Tanuja, your answer is absolutely correct. And Snehanjali doesn't like to do his own homework. Again, Snehanjali, आपकी ग्रामर इज थोड़ी सी फ्लॉड. ग्रेट गाइज, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? अथर्व, यो. ओके, सिमरन हैज अगेन कम अप विद द आंसर. लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश बिकॉज ही डोंट नो अबाउट ह्यूमन, बिकॉज ही डिडंट नो अबाउट दो सब्जेक्ट्स. तो अगेन सिमरन, आपका आंसर ठीक है लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं. ओके, ओके, यो. प्रभु, दिस इज फॉर यू. यो, ओके, मोस्ट वेलकम सिमरन. ओके, द लिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, इंग्लिश एंड हिस्ट्री बिकॉज ही डिडंट नो अबाउट दोज सब्जेक्ट. वॉज रियली करेक्ट तनुजा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट मी राइट योर नेम हियर. आपने जो भी आंसर्स दिए हैं ना, बहुत सही दिए हैं तनुजा. गुड जॉब तनुजा. स्टार, ओके, ग्रेट स्नेहांजलि, दैट्स लवली, दैट्स अमेजिंग. ओके गाइज, हु एल्स? एटलीस्ट गाइज, आई वॉन्ट यू ऑल टू नोट डाउन दीज आंसर्स इन योर कॉपी
so that there's no problem while you are, you know, you have to give an exam or you have to appear for some test or something. You should be aware of what the right answers are. But yes, you can frame your answers around these words. Hello, MP Edits. Hi, Anshul. Okay. Now, great. Sridevi has come to help, wanted help in math and science because he didn't know anything about humans and didn't know what was. Again, Madhumita, your answer is correct, but the grammar is flawed. You need to be a little careful about that. Okay, cool. चलो आगे चलें गाइस. आर यू ऑल रेडी? हम लोग शुड बी गो अहेड. गाइस, हैव यू नोटेड डाउन दीज क्वेश्चंस? हैव यू नोटेड डाउन दीज क्वेश्चंस गाइस? शुड बी गो अहेड. ओके ओके कूल. ठीक है, चलो. How did Patrick help him help the elf? How did Patrick help the elf? Okay. The elf wanted help in maths, English, science, and history because he was unqualified. Nice, Bishnu. I like your answer, dear. MP Edits, आपको इंग्लिश नहीं आती है? नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. नहीं आती है तो हम सिखा देंगे. Tanuja Tejasvi. That's an amazing answer that you came up with. Let me write your name. Good job, Tejasvi. Hello, Priyanshu. Okay, Tanuja. Patrick sat beside the little man and stayed up all nights to guide him while doing the homework. He brought books from him. Great, Tanuja. Again, your answer is amazing. तनुजा, अगर आप ये आंसर लिखोगे डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स. नो प्रॉब्लम प्राची विद स्टडी, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो. ओके, ग्रेट सिमरन. ओके, राकेश हैज आल्सो कम अप विद एन आंसर. Elf always used to nag when don't understand. So Patrick gets book. Okay, again, Madhumita, there are certain grammatical errors in your answer. You need to correct them. Okay, and Simran, Patrick worked hard and visited the library many times. He was working till late nights and was going to school with his eyes puffed and bleary. Simran, again, your answer is correct, but a little more grammatical improvement is required. ठीक है. अगेन श्रीदेवी, यू हैव टू, सॉरी मधुमिता, थोड़ा सा आपको अपने आंसर की ग्रामर को करेक्ट करना पड़ेगा. भावना, आई नो यू आर एन ओल्ड स्टूडेंट, और मुझे ये भी पता आपका नाम कुछ और है. आपने मुझे कल बताया था एंड आई हैव फॉरगॉटन योर नेम अपेरेंटली. हाय नल सिंह परमार. हेलो राकेश. हाय ओपी सिंह. चलो गाइस, सिक्स्थ क्वेश्चन. Who do you think did Patrick's homework? Little man or Patrick himself? Give reason for your answer. Hi, OP Singh. जल्दी से गाइज, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन बिकॉज इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स हम अपनी नेक्स्ट सेशन में करेंगे बिकॉज अभी तो हमें बहुत लेट हो रहा है ना.
We can't use past tense with didn't. Correct, Tanuja. I didn't do it. You are right. Hi, Sony Sharma. Correct. Simran, your answer is great. Let me write your name here. Simran, your answer is absolutely amazing. Prachi with study, actually, ये जो आपको यहाँ पे एक नाम दिखेगा, मैं बताती हूँ, श्रीदेवी. श्रीदेवी का एक्चुअली नाम मधुमिता है. That's why I'm calling her मधुमिता. Yeah, got it. Okay. So, Snehanjali has come up with an answer. Tejasvi also. Okay. Patrick did his homework himself. The little man wrote the answer in the notebooks, but it was Patrick was telling him. Correct. Tejasvi, aapka bhi answer sahi hai. Good. He was really doing work hard. Hard work when before, done before and... Okay, again, Snehanjali, the grammar needs to be corrected. Grammar is not quite right. Ask me, Rakesh, what's your doubt? They just see Patrick did his homework and the little man wrote the answer. No, but it was Patrick. Correct. They just see aapka bhi jawab sahi hai. Theek hai, cool. जल्दी से गाइज ये आंसर्स को नोट डाउन कर लो जल्दी से. ओ वाओ जानवी दैट्स अ सुपर क्यूट एक्सप्रेशन. Sridevi, oh sorry, Madhumita, your answer is absolutely correct. Hi, Sony Sharma. Correct. So guys, what I want you to do is, jaldi se in answers ko note down kar lo copy mein, then we can very quickly go ahead and do these, fill in the blanks if time permits us. Well, time will not permit us as much. Yeah, jaldi, jaldi, jaldi. Yes, 3 p.m. पे अगली क्लास है. जल्दी से गाइज नोट डाउन दीज क्वेश्चंस. नलविंदर सिंह, क्या सीखना है आपको? जल्दी से बता दो. हाय तन्मय. ठीक है, जल्दी से गाइज, वेरी वेरी क्विकली नोट इट डाउन. Correct, O.P. Singh. Correct, O.P. Singh. But though your grammar is not right. Okay, got it, Dhruv. Chalo, good. Theek hai, jaldi se guys, I want to do this fill in the blanks. 2 minutes ke andar andar ye fill in the blanks complete hone chahiye. Jaldi se batao inka kya answer hoga. No problem, Simran. You can join me again at 3. Oops, sorry. Naval Singh Parmar. Sorry, sorry, sorry. I'm sorry I read out your name wrong. Chalo, jaldi se. इकट्ठे आंसर्स दो सबके सब 7 का इकट्ठे आंसर्स दो. अनुश्री यस आस्क मी अ क्वेश्चन. करेक्ट तेजस्वी आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है दोनों फिल इन द ब्लैंक्स का.
तेजस्वी थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. अनुश्री आस्क मी व्हाट योर डाउट इज. ओके वेरी वेरी क्विकली. व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन. गुड. ओके एंजल हैज कम अप विद द आंसर. करेक्ट. ओके ओ एंजल यू डिलीटेड योर आंसर्स. व्हाई. सेमेस्टर का मतलब होता है अनुश्री एक टेन्योर. जैसे आपका 6 मंथ्स का सेमेस्टर हो सकता है, इसके अंदर आपकी कोई क्लास ख़त्म हो, या आपका मान लो फर्स्ट बैच से लेकर आपका हाफ ईयरली तक 6 मंथ्स का टेन्योर. तो सेमेस्टर इज नथिंग बट अ टेन्योर फॉर विच एनीथिंग लास्ट, दैट इज सेमेस्टर. ओके सिमरन हैज कम अप विद द आंसर. चलो ग्रेट. ठीक है लवली. अभी मैं बताती हूँ इसके आंसर्स क्या है गाइस. जल्दी से बताओ. फर्स्ट वाले का आंसर है चोर्स. फर्स्ट आंसर. एंड प्लीज नोट डाउन द आंसर्स. हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री. सेकेंड आंसर. थर्ड आंसर. दिस सेमेस्टर. थर्ड गाइज ये आंसर्स भी नोट डाउन कर लो. देन दिस इज द फोर्थ आंसर. ट्रू टू हिज वर्ड्स. फोर्थ आंसर. करेक्ट. देन डैश द एल्फ बिगेन. ओके कैन यू डैश लुक अप. करेक्ट. योर आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट मधुमिता. And Tejasvi, your answers are correct. Lovely. Hydra Danger, I don't know what your question is. Great. Okay. Can you look up this word? This is your fifth wala. Fill in the blank. Okay. I started early on time, but I was what? Iska kya answer hai? ओके थैंक यू अनुश्री. ओके बट आई वॉज. सिक्स वाला आंसर है बट आई वॉज आउट ऑफ लक अगेन. सिक्स. सेवेंथ. शी सेज शी गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट आई डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड बट आई बट वॉट. But between you and me, I believe most of them are borrowed. तो ये है इसका आंसर. ठीक है guys? So हो गए सबके fill in the blanks. जल्दी से बता दो. So तेजस्वी शाम को 3 o'clock we have our session. We'll discuss NCERT के extra questions. Okay? NCERT extra questions. ओके गाइज थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली हैविंग यू ऑल. बाय बाय बाय. कल मिलते हैं. आई मीन आज दोपहर को 3 बजे मिलते हैं दोबारा. एंड हैव अ गुड डे. बाय. हैव फन. ओप्स. बाय बाय बाय. थैंक यू सो वेरी मच. बाय एवरीबडी.